जनधन योजना के तहत अब तक 53 करोड़ से ज्यादा बैंक खाते खुले गए, इसमें से 57% यानी 57% 30 करोड़ बैंक खाते महिलाओं के, जो रूस की आबादी का 2 गुना है। जनधन योजना के 35 करोड़ लाभार्थी ग्रामीण और सेमी अर्बन इलाके के। बैंक खातों में औसत डिपॉजिट रकम 2015 में 1,279 रुपए थी, जो 2022 में बढ़कर 3,761 रुपए हो गए। 2015-16 में 53% महिलाओं का सेविंग अकाउंट था, 2021 तक 79% महिलाओं के सेविंग अकाउंट्स खुल गए। यानी जनधन खातों की वजह से महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा और स्वतंत्रता मिली और वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ पाई। जनधन योजना की वजह से कोविड महामारी के दौरान गरीबों को मदद मिल पाई। अगर जनधन योजना से लोगों के बैंक खाते न खुले होते तो कोविड के दौरान क्या हाहाकार मचता, आप सोचिए भाई। कोविड लॉकडाउन के 10 दिन के अंदर 20 करोड़ महिलाओं के जनधन बैंक खातों में 3 महीने तक 500 रुपए डाले गए। 24 मार्च 2020 से 17 अप्रैल 2020 के बीच 16 करोड़ जनधन धारकों को 36,600 करोड़ रुपए की सहायता दी। सब बंद पड़ा था, कहां से जाके देते आप महिलाओं को पैसा, कैसे चलता घर। लेकिन एक आदमी जो दूर की सोच रहा है उसको किसी तरह से नीचे खींचने पर ये लोग पड़े हुए। इसी तरह से पीएम मोदी ने पेंशन सुधारों पर भी ध्यान दिया और यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेकर आए। देश में पेंशन को लेकर लंबे समय से राजनीति हो रही। अभी तक देश में 2 पेंशन योजनाएं चल रही हैं, पुरानी पेंशन योजना ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम यानी एनपीएस। कई राज्यों में पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी गई क्योंकि नरेंद्र मोदी को हराना था। पुरानी पेंशन योजना को राजनीतिक हथियार की तरह इंडी गठबंधन ने इस्तेमाल किया, जिससे सरकारों पर वित्तीय बोझ बहुत बढ़ जाता, जबकि एनपीएस में जो पेंशन मिलती है वो बाजार पर निर्भर करती है। ऐसा रॉकेट बना हुआ है शेयर बाजार कि एनपीएस में फायदा भी हो रहा है। पेंशन को और पारदर्शी और बेहतर बनाने के लिए मोदी सरकार ने यूपीएस को मंजूरी दी, यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जो अगले साल से लागू हो जाएगा। अब आपको बताता हूं कि तीनों पेंशन योजनाओं में अंतर क्या है। पुरानी पेंशन योजना सरकारी कर्मचारियों के लिए, एनपीएस सरकारी कर्मचारियों और प्राइवेट सेक्टर दोनों के लिए। ओपीएस में कर्मचारी की सैलरी से कोई कटौती नहीं होती, एनपीएस में कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और डीए से 10% कट जाता है। ओपीएस में रिटायरमेंट के समय की सैलरी की आधी रकम पेंशन मिलती है बेसिक, और एनपीएस शेयर मार्केट बेस्ड है, भुगतान बाजार पर निर्भर करता है। ओपीएस में एक निश्चित रकम पेंशन के तौर पर मिलती है, एनपीएस में निश्चित रकम मिलने की गारंटी नहीं। पुरानी पेंशन योजना में जीपीएफ यानी जनरल प्रोविडेंट फंड की सुविधा है, नई पेंशन स्कीम में जीपीएफ की सुविधा नहीं। पुरानी पेंशन स्कीम में हर 6 महीने में महंगाई भत्ता मिलता है, नई पेंशन स्कीम में यह व्यवस्था नहीं। पुरानी पेंशन योजना में कर्मचारी की मृत्यु पर जीवन साथी को पेंशन मिलती है, नई योजना में पूरी पेंशन राशि कर्मचारी के नॉमिनी को एक साथ मिल जाती है। नई पेंशन योजना में कोई निश्चित पेंशन नहीं मिलने का प्रावधान था और इसी का विरोध लंबे समय से कर्मचारी कर रहे थे। इसी को देखते हुए मोदी सरकार ने यूनिफाइड पेंशन योजना शुरू कर दी, जिसमें ओपीएस और एनपीएस की खूबियों को मिला दिया। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में दोनों पेंशन योजनाओं की जो अच्छी चीजें हैं उसे मिला दिया गया है। यूपीएस सरकारी कर्मचारियों के लिए आखिरी 12 महीने की औसत बेसिक सैलरी की 50% रकम पेंशन के रूप में दी जाएगी, लेकिन इसके लिए 25 साल की नौकरी कम से कम होनी चाहिए। अगर कोई कर्मचारी 10 साल नौकरी करता है तो उसकी भले बेसिक सैलरी 20,000 ना हो, फिर भी उसे 10,000 रुपए की पेंशन मिलेगी। अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पेंशन का 60% परिवार को मिलेगा। यूपीएस में पेंशन के साथ डीए या महंगाई भत्ता भी दिया जाएगा। यूपीएस में पेंशन कोष को 2 हिस्सों में बांटा गया है। इंडिविजुअल पेंशन फंड में बेसिक सैलरी प्लस डीए की 10% रकम जमा होगी। इस फंड में इतनी ही रकम सरकार की तरफ से भी जाएगी। गारंटी रिजर्व फंड में बेसिक सैलरी प्लस डीए की 8.5% रकम सरकार अपनी तरफ से जमा करेगी। कर्मचारी की तरफ से इसमें कोई भी रकम जमा नहीं की जाएगी, यानी सरकार अपनी तरफ से 18.5% रकम जमा करेगी। पीएम मोदी के विजन का एक और उदाहरण आपको बताता हूं। अब जैसे ये पेंशन हो गया भाई, पेंशन आज लोगों को लग रहा है कि अरे या नहीं, हमको ओपीएस सूट करता, हम तो वही लेंगे। अच्छा तुम दे रहे हो, हम तुमको सरकार में ला दें। लेकिन जैसे नरेंद्र मोदी ने जनधन के समय 10 साल बाद क्या जरूरत है देश की वो समझ के किया था, वो आज भी जो कर रहे हैं भाई, नरेंद्र मोदी एनपीएस हटा दे ओपीएस कर दे, नरेंद्र मोदी और कितने साल प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। जब देश को इसका असल भुगतान करना पड़ेगा और लोग बाप बाप करेंगे, उस वक्त शायद ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होंगे, लेकिन वो देश का सोच के कर रहे हैं। और जब पब्लिक नहीं समझी कि भाई देश के लिए इतना करना जरूरी है, तो फिर ओपीएस एनपीएस मिला के यूपीएस ले आए।
पीएम मोदी के विजन का एक और उदाहरण समझ दिखाता हूं आपको। साल 2016 में मोदी सरकार ने यूपीआई की शुरुआत की, जिसने देश में डिजिटल पेमेंट की सूरत बदल दी। यूपीआई की चर्चा दुनिया भर में होती है। यूपीआई की तरह ही अब यूएलआई शुरू किया जा रहा है, यानी यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस, जिसमें लोन या कर्ज लेना बड़ा आसान हो जाएगा। अब ये यूएलआई क्या है भाई? पिछले एक साल से यूएलआई के पायलट प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। यूएलआई अलग अलग सोर्सेज से जानकारी जुटाएगा, ई केवाईसी, लैंड रिकॉर्ड, पैन और अकाउंट की जानकारी कम समय में जुटा लेगा। इससे लोन अप्लाई करने वालों को बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट्स देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यूएलआई प्लेटफॉर्म पर ही डॉक्यूमेंट्स के आधार पर लोन लेने की योग्यता चेक हो जाएगी। यूएलआई के जरिए फटाफट लोन मिलेगा, जिसके अब फायदा किसानों और एमएसएमई को होगा। यूएलआई से इंस्टेंट लोन देने वाले ऐप पर भी लगाम लगेगी, जो आसान लोन के नाम पर लोगों को फंसाते। तो जो लोग बहुत खुश हैं कि अरे 240 सीट आई, मोदी को कमजोर कर दिया, उनसे कोई पूछे कि मोदी ने 10 साल में जो ये मजबूती देश को दी है, उसका क्या बॉस?